तेलंगाना के भाजपाइयों ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कोरोना काल में दिए गए अतिरिक्त चावल को लेकर किया धरना प्रदर्शन। भाजपा ने कहा कि मोदी जी का चावल देना होगा। उन्होंने भूपेश सरकार पर आरोप लगाया कि हितग्राहियों को मिलने वाले चावल के आंतरिक प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो राशन न देकर राशन में कटौती कर लगभग 1500 करोड़ के घोटाले कर चुकी भूपेश की सरकार अब केवल और केवल मोदी को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। शासकीय राशन दुकान शक्ति बहरा में प्रदर्शन के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश कश्यप ने जहां भूपेश सरकार पर चावल घोटाले का आरोप लगाया, वहीं धरना प्रदर्शन के प्रभारी एपी शर्मा ने कहा कि भूपेश सरकार न तो आवास बनने दे रही है, न ही चावल ढंग से वितरण कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता को केवल छल रही है। भाजयुमो मंडल महामंत्री राम प्रताप सिंह ने राशन कार्ड धारियों को जागरूक करते हुए बताया कि कांग्रेस की भूपेश सरकार कैसे उन्हें छल रही है। धरना के दौरान भाजयुमो मंडल उपाध्यक्ष शिवेंद्र शुक्ला, मंडल कार्यकारिणी रमेश राठौर, रामू खुसरो, राजकुमार यादव, दुर्गेश यादव, रवि घोष एवं बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। कहना है कि केंद्र सरकार जो देती है उसको यहाँ अमल नहीं किया जाता सीधे सीधे से। अभी एक प्रश्न और आया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना सब जगह चल रहा है भाजपा केंद्रों, भाजपा शासित राज्यों में, और यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में किसी का भी आवास योजना नहीं चल रहा है, बिल्कुल बंद है। और इसी तरह से गोबर खरीदी में देखे तो गोबर खरीदी पानी गिरा बह गया, ये सब विफलता का कारण तो है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यही सरकार का है। वोट पाना है तो किसान के पीछे चलो। वो कहना चाहता हूँ कि मितव्ययी बने अव्यय बन करने का कोई मतलब नहीं है। शासन का खर्चा है, हमारा रुपये है, हमको सबको किसानों को सब मजदूरों को सभी लोगों को मिलना चाहिए। मैं एमपी शर्मा, राशन क्या है 2 वर्षों में जब पूरा विश्व इस कोरोना काल में परेशान है, तो इस समय केंद्र की मोदी सरकार भूख से कृषि की मृत्यु ना हो ऐसा सोच बनाकर पूरे भारत में राशन कार्ड में प्रति व्यक्ति 5 किलो एक्स्ट्रा राशन देने का निर्णय लिया और वह इसको प्रदान भी कर रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार, यहाँ की कांग्रेस सरकार वह चावल न देकर उसको आपदा में अवसर बनाकर घोटाला कर रही है। अभी तक करीब 1500 करोड़ का घोटाला का अनुमान लगाया गया है। इसी विषय को लेकर आज हम धरना में बैठे हैं। मैं राजेश कुमार कश्यप, मंडल अध्यक्ष बेलगहना। बेलगहना से रवि राज रजक की रिपोर्ट।